राम राम सारिया ने। तो कल सब तो पहला कमेंट करिया प्रशांत ने, दिल से शुक्रिया प्यार प्रेम बनाए रखने खातर। ये बतावा तमने थगेश और रजत दलाल के बारे में, कल शाम त्रेखन लग रहे पूरी इनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी, मने लगा कि मैं सीरियस बात है, लेकिन ये समझ में आई बात की है तमने भी समझावा। मने पहला मेरा लगा कि रजत दलाल ने थगेश पे हाथ जुड़वा ली, माफी मंगवा ली, माँ को सूता सिस्टम हो रहे इनकी, तो बढ़िया कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, मैंने इंटरेस्ट आया देखा। फिर वो आपकी स्टोरी मैंने कहा मैं तड़का बताऊंगा, थगेश ने स्टोरी लगाई मैंने, मैं तड़का बताऊंगा सच्चाई की है, रजत दलाल को है मैं देखूंगा लाइव में, मुंबई आन लाइ रहे हूँ तन्ना मैं बताऊंगा, ये सारी चीज चल रही। और फिर आज नुबले के लाइव आवाऊंगा उस टाइम, फिर वहां लाइव भी आए, सोचा कि मैं तकड़ा लफड़ा है, गाली गुली भी दी आपस में, नू लगा कि मैं तकड़ी बात हो रही है, फिर एकदम सरप्राइज दिया कि इनका जो है एक सीरीज आई है जिसका नाम है लफड़ा सेंटर, तो हमें सीरीज भी कैस कोई इसने, लेकिन यो एपी वो है जिस नाम पे कहेगा ना पॉडकास्ट, तो इनका पहला पॉडकास्ट आया है लफड़ा सेंटर नाम तय, बिल्कुल सही थगेश ने पहला एपिसोड है इसका, अरज दलाल का पहला यहाँ पे कह सकेंगे पॉडकास्ट है। ये बाग बात करा गुलजार छानियाला का बारे में, आपने बताई थी कि जीजा नाम था एक गाना है इसका है, वह न्यूज कन्फर्म होगी है गुलजार छानियाला का जीजा नाम था गाना आओगा। उसके बाद बात करा तो कपिल पडाना ने 5 लाख का चैलेंज दिया है, 5 लाख रुपये का, कि या तो तुम यो चैलेंज कंप्लीट कर दे, अगर कंप्लीट कर दिया तो 5 लाख रुपये लीजिए। किस लग दिया यो चैलेंज, राहुल दांदलानी अलग के चैलेंज है, तमें देखो वीडियो में बेरा लाइक जाओगा तमने भी। ये तो रे 5 लाख रुपए और यूरो 50 किलो वजन और रस्सा कर रहे राहुल दांदलिया चैलेंज है ओपन। चलो भाई चलो, एक हाथ नौ तो तैने चैलेंज किया, नौ तो तैने पैसे दिए, हमने चैलेंज भी किया और रस्सा भी करके दिखाया, चैलेंज एक्सेप्ट कर और 5 लाख रुपए ले जा। ये बात करा तो अपनी हरियाणवी बोली पे कितना प्राउड है तमने, या बात अब आज सबूत हो जाएगी, आज बेरा लाइक जाओगा, प्राउड करे करो, बिल्कुल करे करो। रेणुका पनवार ने मुंबई में बिल्कुल सही 52 गज का दमन पे सुरेश राणा अलग डांस करवा दिया है, तो अपनी बोली पे पूरा मान करे करो, ठोठाठ तक बोले करो इस बोली ने। गज का दमन पे साइडस, ये जो माइक है नीचे चले जाएगा। ये तो इस गाने की जान है, ये तो करना पड़ेगा। हाँ चलिए। 52 52 गज का दमन पैर ऐसे करो, मटक चालूंगी। बिग बॉस ऊपर बैठ के वोट मार रहा है। मुश्किल काम है भाई। मोटर चलानी है, मोटर पानी की मोटर का यूं ऐसे वाला पोर्शन यहां को फेंकना है। तो आप रेडी हैं? जी बिल्कुल, कति रेडी हैं। मैंने सिखाया है, भूलना नहीं है आपको। चलिए बिल्कुल याद है जी, पूरा याद। ठीक है, बेइज्जती नहीं करवानी, बिल्कुल नहीं करवानी, शरीर तो मारना नहीं करवानी। चलिए म्यूजिक आगे बतावा। आनी सिंह ने एक लाइव शो में कहा कि गांजा ना फूके करो, गांजा ने मेरे 5 साल बर्बाद कर दिए, तो मैं देखूंगा लाइव की छोटी क्लिप। लेकिन बहनों और भाइयों, तुम सारे मेरे छोटे बहन भाइयों, ये गांजा गुंजा मत फूका करो भाई, थैंक यू। 5 साल बर्बाद हो गए मेरी जिंदगी के, दारू बीलो जितनी पीनी है, चरस गांजा मत करना बस, ठीक है, इंजॉयमेंट के लिए गाना चला देते हैं। ये बागा बतावा का जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन कपिल शो, यो शुरू हो गया है, और यो शो तो हमने टीवी पर देखने में मिला है, यो शो तो हमने नेटफ्लिक्स पर देखने में मिलेगा। बात करा इस शो में सुनील ग्रोवर की भी एंट्री होगी है, तो उनका किरदार इस शो में के नाम तय है, डफली नाम तय उनका किरदार है इस शो में। आगे बतावा के पी कुंडू और बिंटू पावड़ा इनका भी गाना लग रहा है जिसका नाम हो उसका नियर बाय मी। आगे एलविश यादव और मनीषा शर्मा का बारे में तय दिया कि मनीषा शर्मा ने एलविश यादव क्यों अनफॉलो कराया उसका बारे में मनीषा शर्मा ने बताया है, और एलविश यादव ने भी बताया दिया है उनका ब्लॉग में, तमें जाकर देख सको हो। मनीषा शर्मा ने क्यों अनफॉलो कराया उसकी तमने क्लिप दिखा दिया, उरे देखो तमें क्लिप हुआ। हाँ, उसे पूछा गया कि आपको मनीषा ने क्यों अनफॉलो किया,
और एल्विस का रिप्लाई ये था कि मुझे तो ये बहुत बच्चे वाली हरकतें लगती है, मुझे रीजन पता नहीं है, उसने ही किया। और उसने कहीं ना कहीं क्लियरली ब्लेम मेरे ऊपर डाल दिया, जिसके वजह से मुझे कल रात से ही बहुत सारे टैग लोग कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर मनीषा आपने ऐसा क्यों किया। जो लोग मुझसे नफरत करते हैं वो तो करेंगे ही, जो मेरे हेटर्स है। रिसेंटली एक न्यूज आया कि मनीषा रानी और आपने अनफॉलो कर दिया एक दूसरे को। Is there an issue? Because everybody, whenever I put up a story, everybody keeps telling me that please do an Elvisha interview. Because I was looking forward to that. But क्या कुछ problem हुआ है? नहीं यार, पता नहीं, मेरी बात नहीं हुई actually. और उसी ने unfollow करा था पहले, तो मैंने, मेरे को पता ही किसी ने भाई कि unfollow कर दिया। मैंने कहा पता नहीं क्या है यार, unfollow ये अपने को ना समझ नहीं आता ये चीजें कि दोस्ती या फिर किसी भी चीज पे कोई इशू हुआ। वैसे इशू भी नहीं था मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसा कि अनफॉलो कर दिया ना, वो बच्चों वाली हरकतें लगती हैं मुझे कि छोटे बच्चे नहीं करते। अनफॉलो कर दिया, ब्लॉक कर दिया, वो हम आपको बताते कि मैंने क्यों इसको अनफॉलो किया। तो स्टोरी ये है कि एल्विस की फ्रेंड कटारिया एक दिन लेके मेरी टीम के पास आए थे, हमें साथ में कोलैब करना था। एल्विस ने कोलैब किया, मैंने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन एल्विस ने कवर फोटो में अपना और अक्षय कुमार सर का फोटो डाल दिया। एक दो घंटे के बाद जब हम वो कवर फोटो देखे तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कोलैब मैंने और एल्विस ने किया था और वो वीडियो हम दोनों के प्रोफाइल में शो कर रहा था। तो जब मेरा प्रोफाइल है तो उसमें मेरा फोटो भी आना चाहिए, क्योंकि हम और एल्विस दोनों किए हैं। तो इस बात पे हम अपनी टीम को बोले कटारिया से बात कीजिए, इसको ये गाना लग रहा है सरनेम नाम तय, जो गाया है आसू ट्विंकल ने, इसमें दिनेश गोलन और निधि शर्मा ने एक्ट करया है, फीचरिंग करी है। इनका गाना 2 तारीख ने रिलीज हुआ। उसके बाद इलेक्शन नाम तक गाना जो गाया है राज मावर ने, इसमें मॉडलिंग करी है अमन जाजी और श्वेता चौहान ने। इनका यो गाना जल्दी है तो हमने देखने मिलेगा। तो आज की अपडेट में इतना ही। अगर अपडेट बढ़िया लगी हो तो शेयर जरूर करियो सारे। जय हिंद, वंदे मातरम।